श्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन व मंदिर प्रबंधन का इस ओर जरा भी ध्यान नहीं है। इन दिनों विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। कभी तो ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का प्रांगण कुश्ती का अखाड़ा बन जाता है, तो कभी बांके बिहारी मंदिर में तैनात सिक्योरिटी गार्ड दूरदराज से आने वाले श्रद्धालुओं के साथ बदसलूकी और बदतमीजी करते पाए जाते हैं। वहीं कुछ दिनों पहले ठाकुर बांके बिहारी मंदिर से ठाकुर बांके बिहारी लाल की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में किसी को भी ठाकुर बांके बिहारी लाल की फोटो खींचना या वीडियो बनाना मना है। वहीं मंदिर प्रांगण में भी फोटो न खींचने के प्रति लोगों को जागरूक किया जाता है और कई बार तो लोगों के फोन भी जब्त कर लिए जाते हैं। लेकिन तब क्या हो जब मंदिर में से ठाकुर बांके बिहारी लाल की छवि फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए वायरल हो रही है। वहीं इसका सभ्य समाज ने भी विरोध व्यक्त किया। इन दिनों कोरोना वायरस से एक बार फिर जंग जीतने के बाद बांके बिहारी मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया, लेकिन लोगों को मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी का पालन करने की सलाह दी गई है। लेकिन बांके बिहारी मंदिर प्रांगण के नजारे को देखने के बाद 2 गज की दूरी और मास्क तो एक दिखावा बनकर रह गया है। श्रद्धालु तो बिना मास्क लगाए ही मंदिर में प्रवेश कर लेते हैं। वहीं इस ओर मंदिर प्रबंधन का भी कोई ध्यान नहीं है। सरकार के द्वारा व्यापारियों के प्रतिष्ठानों को सप्ताह में 2 दिन के लिए बंद करा दिया है, लेकिन मंदिरों को खोलने की परमिशन दे दी गई है, जिसके चलते शनिवार और रविवार को भारी संख्या में दूरदराज से श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बीते शनिवार रविवार को श्रद्धालुओं का जमघट हो गया, जिसको वृंदावन पुलिस संभाल न सकी। वहीं साथ ही देखने को मिला कि वृंदावन पुलिस के हाथ पैर फूल गए और श्रद्धालु सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। कुछ श्रद्धालु तो बिना मास्क लगाए ही दर्शन करते नजर आए। आपको बता दें, वृंदावन कोतवाली प्रभारी शशि प्रकाश शर्मा के ढीले रवैये के चलते कोरोना वायरस एक बार फिर धर्मनगरी में दस्तक ना दे बैठे। शुभम शर्मा, वृंदावन समाचार 24।